प्यारे बच्चों, हमने 7th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 9 पढ़ा, चिड़िया की बच्ची। ये सर्वेश्वर जैनेन्द्र द्वारा लिखी हुई ये एक कहानी है, छोटा सा प्रसंग है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक सेठ है, जो माधव दास सेठ है, वो हर तरह से साधन संपन्न है, खूब उसके पास धन दौलत सब कुछ है, और वह उसके बगीचे में एक चिड़िया की छोटी बच्ची आ जाती है, वो उसको पसंद आ जाती है और उसको तरह तरह से प्रलोभन लालच सब देता है वो, कि तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। लेकिन चिड़िया की बच्ची अपने माँ के पास, अपने घर जाने की जिद करती है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो माधव दास ने जब अपने सारे ट्रिक आजमा लिए उसको रोकने के, तो वो नहीं मानी चिड़िया, तो उसने अपने नौकर को इशारा किया उसको पकड़ने के लिए, लेकिन चिड़िया उसके चंगुल से बच पाने में कामयाब रही और वापस जा उड़कर अपनी माँ के पास पहुंच गई। इस कहानी में बच्चों, हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों, प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। इन्होंने कहा कि जैसे पक्षी अपना घर बहुत दूर निकल आते हैं और फिर भी उनको याद रहता है और वापस वो अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण भी दिए कि मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, ये एक अनुशासनबद्ध जीवन जीती हैं। तो ये इनके और उदाहरण पूछे हैं, तो इसका आंसर देखिए बच्चों। अनुशासन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। प्रकृति के अलग अलग रूपों में हमें अनुशासन देखने को मिलता है। सूर्य नियमित रूप से सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है। तारे रात को आसमान में दिखते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं ये कि अनुशासन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। नंबर 1 ये सूर्य उगने में हो गया, तारे रात में आसमान में दिखते हैं, ये पेड़ अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। नंबर 3, नंबर 4 है पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती है और कभी सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता। नंबर 5 है ऋतुएं भी नियमानुसार ही आती जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, ये डाली पर, ये डाली है और इस पर एक ये चिड़िया आन बैठी है। कभी पर हिलाती थी, इसमें पर क्या है, इसमें उसके पंख हैं, वो पर हैं, चिड़िया के पंख हैं जो इसके पर हैं। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। पर यहाँ पर ये 3 तरह से पर का प्रयोग हुआ है। ये डाली पर बैठी हुई है, ये अपने पर हिला रही है, और ये पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। जैसे नंबर 1 है, मेज पर धूल जमी है, यानी मेज है उसके ऊपर धूल जमी हुई है। चिड़िया अपने पर फैलाकर उड़ती है, चिड़िया अपने पर फैलाकर यानी पंख फैलाकर, या पंख के लिए पर आया है यहाँ पे। पर तुमने अपना काम नहीं किया, यहाँ पे बट, लेकिन किंतु परंतु के उसमें आया है ये पर, कि तुमने अपना काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो, 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में
तैने को तूने और क्षण भर को क्षण भर और खुश करियो यानी खुश करना ये लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं और इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। ये जैसे ही हिंदी के निकट ही हैं और इनको थोड़ा सा खड़ी बोली में इस तरह से लिखते हैं, तो इनके उदाहरण हैं, देखिए मन्ने मन्ने यानी मैंने, अयो आओ या आना, जइयो जाओ, करियो यानी करो, खइयो खाओ, खा लेना, अगला प्रश्न देखिए, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और सारी सुविधाएं आपको दे दी जाए तो क्या आपको आप इसको स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, क्या अच्छा लगेगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? कि आप खुले में रहना, स्वाधीन रहकर रहना पसंद करेंगे या आपको ये सारे प्रलोभन देकर और बंद कर दिया जाए कमरे में या जेल में तो ऐसी पराधीनता पसंद करेंगे? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। ये तुलसीदास जी का वाक्य, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है, इनको पढ़िए। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। दूसरा खै देखिए, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, और गै क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो इनमें इन तीनों ही वाक्यों पर आप विचार कीजिए और अपने उत्तर लिखिए। आप इसकी सहायता ले सकते हैं, इस उत्तर को देख लीजिए। सभी सुख सुविधाओं के बाद भी हमें पराधीनता स्वीकार नहीं है, स्वाधीनता उस पराधीनता से भी अधिक प्रिय लगती है जिसमें कि अनेक प्रलोभन हो। जीवन में स्वतंत्र रहने का अपना अलग महत्व है, सभी सुख सुविधाएं मिलकर भी इसके मूल्य को कम नहीं कर सकती हैं। यह सही है कि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है और सुख से दूर दूर तक वंचित रहता है, सुख का एहसास उसके लिए दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न है, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य पशु और पक्षी इन तीनों में ही माँ अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन अपने शब्दों में कीजिए। जैसे देखिए, माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो पशु पक्षी, सभी में ऐसा देखने को मिलता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है इसलिए ऐसी भावना का होना स्वाभाविक है, परंतु ये पशु पक्षियों में भी देखा जाता है कि माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करके लाती है, जानवर भी अपने बच्चों को खतरे में देखकर हमला करने वालों पर आक्रमण कर देते हैं, ये प्रकृति की अद्भुत देन है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इन प्रश्नों को आप याद कीजिए और इनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए।